चौरंगी से शुरू हो जाता है, मेट्रोवेल पूरा, मेट्रोवेल 1 2 3 4 ये पूरा है, पख्तूनाबाद है पूरा, यहाँ से चलते हुए पूरा पीछे मोहम्मद खान कॉलोनी, तिहाड़ टाउन, और वहाँ से ऑल द वे निकल कर फिर बल्दिया टाउन और फिर सईदाबाद और ये सब एरिया जो है वो, तो हम ये तो पूरा ही एरिया मुतासर है। तो लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक चंद आपके सामने गुजारिश है वो जो करने वाली हो सकती है, और वो मैं शुरू करता हूँ मेट्रोवेल के एरिया से पहले शुरू करता हूँ। बाकी साहब एक काम आपका, आपने ऑलरेडी लाइन सेंक्शन किया हुआ है, लाइन डलनी है वहाँ पे, लेकिन आप जरा उसको बता दीजिए थोड़ा सा कि उस थोड़ा सा पोर्शन अगर और डल जाएगा तो वो ऑलरेडी काम हो रहा है आपका, और वो फिर एक बहुत बड़े एरिया में तकरीबन 4 सेक्टर्स हैं जो कि इससे जो है सैराब हो जाएंगे सारे। कौन कौन से एरिया है उसमें? मेट्रोविल है जी, आप मेट्रोविल के 5 ब्लॉक हैं और उसके साथ हमारी भवानी जारी का जो एक आधा सा एरिया है वो उसमें शामिल है। ये आपको 2015 में 16 इंच की लैंड दी है और 2015 से लेकर आज तक वो तकरीबन कोई 200 मीटर उसमें 20 पाइप डालनी है, वो अभी तक बाकी है। बीच में हमने काम करवाया था तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, नाम क्या है? फैजान कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी सलाउद्दीन साहब की, उन्होंने उनको हुक्म दिया था कि ये 20 आपने डालनी है, उन्होंने 10 डाल दी है, 10 अभी बाकी है और वो 10 जो है। अच्छा, वो अभी काम हो नहीं रहा? हो नहीं रहा, वो सड़क पे पड़ी हुई है 10, वो काम रुका हुआ है, काम रुका हुआ है। अगर वो काम हो जाएगा तो उस पूरे एरिया में जो कनेक्टिविटी हो जाएगी, इससे हो जाएगा काम सारा, इससे कनेक्ट हो जाएगा जी, इससे हो जाएगा। पीछे से जो पानी की मैं जो टाइमिंग थी वो हमारी है 52 घंटे की, इस वक्त हमें मिल रही है 32 से 36 घंटे। ये दूसरा वहां पर इशू है। तीसरा जो है वो ये है कि सर वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो इतने नाजायज कनेक्शन लिए गए हैं कि 104 कनेक्शन तो हमारे इलम है, ये पीछे आरिफ साहब बैठे हुए हैं इनको पूरा इलम है एक एक कनेक्शन का। कनेक्शन कहाँ जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है या कहीं कहीं बाहर जा रहा है या बिक रहा है? पानी जो है वो है मेट्रोविल का और ये कनेक्शन लिए गए हैं हमसे 2 मोहल्ले पहले। अच्छा। वहां पर ये बिके हुए हैं। अच्छा। ये सबको मालूम है जो वहां पर काम करने वाले सर। अभी सो तो हमने खोद के नहीं देखा, नहीं आराम से सर हमें ये नहीं मालूम कि वो है, लेकिन है नहीं लेकिन ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी टैंकर से जाकर कहीं बिक रहा है या कि मोहल्ले वालों ने कनेक्शन? मोहल्ले वाले, मस्जिद वाले और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों वालों ने ये चीजें। वो जो उस दिन आपके साथ कमेटी सारी आई थी उससे ये पानी की लाइन से मसला ये वाला हल होगा? आपने दो बातें की, एक तो ये कनेक्शन ये वाली लाइन डल जाए, लाइन डल जाए और यहाँ पर आपके जो जितने घंटे एलोकेट हुए वो घंटे जो है वो बढ़ जाए, इससे जो पूरे मेट्रोवेल का और ये पख्तूनाबाद का मेट्रोवेल का बनारस के एरिया में अनाउंसमेंट आ जाएगी इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन ये लाइन आप अगर कब कंप्लीट करवा रही और बहुत छोटा सा काम है इसे, फिर जब ये लाइन डल जाती है फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो लीकेजेस हैं या कहाँ कहाँ से इसको ठीक और किया जा सकता है ताकि इसकी इसके आवर्स में और जो है फर्क आ जाए। क्या ख्याल है? और फिर आपके जो कंसर्न लोकल एक्सियन होंगे उनको ज्यादा पता होगा तो उनसे बैठ कर कहेंगे कि भाई अब तक जो हुआ अब इसको ठीक कर लेते हैं चीजों को। और हमारा मकसद कहीं से किसी के पानी को बंद करके किसी को पानी देना नहीं है, पानी जिसको कम आ रहा है उसको जो है वो ज्यादा हो और जिसको ज्यादा आ रहा है उसको भी आए, मतलब पानी उसका बंद नहीं करना।